दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुंडली भाग्य फेम एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने 16 नवंबर 2021 को नेवी ऑफिसर राहुल नागर से शादी कर ली है और इनकी शादी से जुड़ी कई वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वह इनकी शादी के बाद अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा भी अपने लव पार्टनर नील भट्ट के साथ शादी रचाने वाली है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, श्रद्धा आर्या और ऐश्वर्या शर्मा की शादी से पहले एक अभिनेत्री ने गुपचुप तौर पर शादी कर ली है। जी हाँ, उस अभिनेत्री ने गुपचुप तौर से शादी कर ली है। तो आखिरकार वो अभिनेत्री कौन है और इन्होंने कब शादी की, इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रूबरू होते हैं उसी अभिनेत्री से जिन्होंने श्रद्धा आर्या और ऐश्वर्या शर्मा से पहले शादी कर ली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुंडली भाग्य फेम एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने 16 नवंबर 2021 को नेवी ऑफिसर राहुल नागर से शादी कर ली है और अब इनकी शादी के बाद टीवी के मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा भी एक्टर नील भट्ट से 28 नवंबर 2021 को शादी करने वाली हैं। जी हाँ, आपको बता दे, ऐश्वर्या शर्मा अपने को स्टार नील भट्ट से शादी करने वाली हैं, जो गुम है किसी के प्यार में सीरियल में एसीपी विराट के किरदार को निभा रहे हैं। वह इसमें ऐश्वर्या शर्मा पत्रलेखा की भूमिका अदा कर रही है, जिसमे नील भट्ट की भाभी के किरदार को निभाती नजर आ रही है। वही आपको बता दे, ऐश्वर्या शर्मा और श्रद्धा आर्या से पहले टीवी इंडस्ट्री के जिस अदाकारा ने शादी की थी, वो अदाकारा कोई और नहीं बल्कि सारिका ढिल्लो है, जो शक्ति अस्तित्व के एहसास की सीरियल में माही हरमन सिंह के किरदार को निभाती नजर आई थी। मगर आपको बता दे, इन्होंने 15 नवंबर 2021 को शादी की थी। तो इस तरह से इन्होंने श्रद्धा आर्या से एक दिन पहले शादी की थी और ऐश्वर्या शर्मा से 13 दिन पहले शादी की थी। तो इस तरह से सारिका ढिल्लो ने श्रद्धा आर्या और ऐश्वर्या शर्मा से पहले शादी की थी। तो दोस्तों, आप भी हैरान हो गए ना सारिका ढिल्लो की शादी की खबर के बारे में जानकर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।